हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की अपडेट आपको लगातार चैनल पर मिलते रहेगी, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी काउंसलिंग की डेट या रिजल्ट डेट या फिर मेरिट लिस्ट आती है ना, तो आप पीछे नहीं रह जाओ। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब और घंटे वाला बटन को ऑन कर दीजिए, बेल आइकन जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, प्लीज़ ऑन कर लें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। बाय द वे, ये मेरिट लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर जाकर ज्वाइन कर लें ताकि कोई भी अपडेट आए तो उसकी पूरी सूचना समय रहते आपको टाइम पे मिल सके। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए सीधे मैं आपको लिए चलता हूँ जो अपडेट आई है। देखिए, यहाँ से आप मेरिट लिस्ट देख सकते हो। अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। भाषा, यानी कि भाषा के लिए जो कट ऑफ गई हुई है वो है 37.16 अनुसूचित जन, ये जो जाति है उसके लिए ये आई हुई है। सामाजिक विषय की बात करें तो EWS के लिए जो कट ऑफ गई है 45.39 यानी कि 45.39, और अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 47.27 यानी कि 47.27, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45.58। और आगे देखिए, इसी तरह से मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। विज्ञान के लिए 44.33 यानी कि 44.33% EWS के लिए गई हुई है कट ऑफ। इसी तरह से और कोई वैकेंट यहां पे था नहीं, ठीक है। मैथ्स के लिए यानी कि गणित शिक्षिका के लिए 46.64 यानी कि 46.64, याद रखिएगा। और इसी तरह से अनुसूचित जाति के लिए 45.61 यानी कि 45.61% गई हुई है। आगे कला क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प के लिए अगर मैं बात करूं तो 43.89 यानी कि 43.89% इसकी कटअप गई है। अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 38.42 इसकी कटअप गई हुई है, 38.42। इसी तरह से यहां से आप देख पाओगे 38.42 गई है अनुसूचित जाति के लिए। शारीरिक शिक्षा एवं स्काउट गाइड के लिए जो कटअप गई है अन्य पिछड़ा वर्ग से 43.62 कटअप गई है इसकी, और 42.64 गई है अनुसूचित जाति के लिए। 16-12 को आपको यहाँ पे प्रेजेंट, सॉरी 16-10 यानी कि 16 अक्टूबर को आपको प्रेजेंट होना है। कहाँ पे? कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर की। ये रिजल्ट आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, यहाँ से देखिए। और इन्होंने जो बातें कही है, सीधी सीधी बात है ना, जितने भी फोटोकॉपीज आपने यहाँ पे लगाई है उसका ओरिजिनल लेकर पहुँचिए। फोटोकॉपीज 2 सेट में लेकर जाइए, नए फोटोग्राफ लेकर आपको जाना है, और आधार कार्ड, वोटर कार्ड कोई भी हो, दोनों में से कोई एक लेकर जा सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस भी लेकर जा सकते हो, या फिर आप जो है कोई और भी मीडियम जो पहचान पत्र गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया वो लेकर आप जा सकते हो। याद रखिएगा 16-10 इसकी आखिरी डेट है। और इसी तरह से चाहे वो यूपी, बिहार या जहां से भी मेरिट लिस्ट की तैयारी हो रही है, मेरिट लिस्ट आ रही है, आपको सारी जानकारी देते रहूंगा मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बलरामपुर की ये वैकेंसी थी। वीडियो आपने कहाँ से देखा वो नीचे कमेंट करके जरूर लिखें, ताकि आपके आसपास से जब भी रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन आपको देने की जरूरत पड़े तो मैं आपको दे सकूँ। तो प्लीज नीचे कमेंट करके जिस जगह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर लिख दें। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।